मैन इन अ बलून राइजिंग वर्टिकली विथ एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिलीजेज अ बॉल 2 सेकेंड आफ्टर द बलून इज लेट गो फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, तो देखो देखो, तो एक्सेलरेशन 4.9 से जा रहा है और 2 सेकेंड तक गया. 4.9 जी बाई 2 दिख रहा है आपको, कैलकुलेशन में आसान होगा इसके लिए. बोलिए, तो यहां से ये बलून, यहां से ये बलून उड़ना शुरू किया और अगले 2 सेकेंड तक 4.9 एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी बाई 2 से ऊपर गया. ठीक है, तो कितना ऊपर जाएगा निकाल सकते हैं, देख लेंगे क्या होगा. लेट इट बी वाई ऊपर गया, तो इस वाई की वैल्यू हो जाएगी हाफ प्लस, सॉरी, 0 प्लस हाफ इंटू ए विच इज जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर होगा. बोल बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये जी हो जाएगा केवल वाई का न्यूमेरिकल वैल्यू. हाँ सर. अब इस मोमेंट पर इसके पास कुछ ऊपर की ओर वेलोसिटी होगी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी होगी. तो ये जो वेलोसिटी यू होगी ये हो जाएगी जी बाई 2 इंटू टाइम 2 दैट इज जी होगा. तो ये पत्थर क्या होगा, यहां से ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा. है ना सर, ये जी बाई 2 इंटू टाइम 2 समझा नहीं. वी इक्वल टू यू प्लस एटी, बलून रेस्ट से स्टार्ट किया, 2 सेकेंड तक ट्रेवल किया, एक्सेलरेशन जी बाई 2 था. ओके ओके, वी ढूंढा. ओके ओके, तो इस एच की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर बाई 2 जी. यस सर. तो टोटल हाइट मेरी क्या हो जाएगी, खुद से देखिए, वाई प्लस एच हो जाएगी. पूछा है द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द बॉल, ऐसा होगा. यस सर. वाई की वैल्यू जी, एच की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2 जी, दैट इज जी स्क्वायर अपॉन 2 जी, इजंट इट. यस सर. तो दोनों मिला के ये जी कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 3g/2. जी की वैल्यू 9.8, सो 3/2 इंटू 9.8 कितना होगा, 14.7 मीटर आंसर. तो गोइंग बाय द ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट. सर मैंने क्या किया कि बॉल है ना वो बलून से जैसे नीचे गिरा, बाद में रिबाउंस होके उसका कितना ग्रेटेस्ट हाइट आया मैंने वैसे ढूंढा. रिबाउंड कैसे बात करता है, रिबाउंड बाउंड कहाँ से, अपने मन से कुछ भी नहीं सर. नहीं सर, क्या इंग्लिश, इंग्लिश फिजिक्स तो बाद में, पहले इंग्लिश. अच्छा, ओ ठीक है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए.
कैंसर। आगे बढ़ो। यस सर। फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर अ स्टोन इज थ्रोन अप एंड रीचेस द ग्राउंड इन टाइम T1। A second stone is thrown down with same speed and reaches the ground after in time T2. अच्छा, but projectile कराया था ना पिछली बार शायद मैं? हाँ सर, हाइट रेंज और वो सब का आपने बताया। अच्छा, but उस असाइनमेंट इसका दिया था, वो नहीं अभी दिया है। ओके ओके। A third stone is released from rest and reaches the ground in T3. तो मुझे T1, T2, T3 में रिलेशन चाहिए, है ना? यस सर। तो फर्स्ट केस में माइनस एच इज इक्वल टू यू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। इस इक्वेशन में किसी कोई कोई डाउट है? सेकेंड सर, स्टोन इज थ्रोन डाउन विथ सेम स्पीड, तो थ्रोन डाउन तो यू माइनस हो गया, तो एच इज इक्वल टू माइनस यू T1 माइनस हाफ T2 माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में डाउट है? बोलो। थर्ड इक्वेशन में रिलीज किया है, मतलब कि यू जीरो है, तो एच इज इक्वल टू माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी T3 स्क्वायर होगा। हाँ सर। अच्छा, तो मुझे वन वन टू और थ्री में रिलेशन चाहिए, T1 T2 और T3 में, यही कहानी है? यस सर। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एच चला जाएगा मेरा, चला जाएगा ना, सॉरी यू चला जाएगा, नहीं यू भी नहीं जाएगा, मतलब यू मिल जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो एक काम करते हैं, कुछ तो हटा देते हैं, एड सब्ट्रैक्ट क्या कर दूं, फिर मुझे एच को भी डालना है, ठीक है कोई बात नहीं। सर अगर हम वन और टू माइनस करेंगे तो एच चला जाएगा ना? तो हाँ, वन और टू माइनस करेंगे तो एच चला जाएगा बट यू बच जाएगा, तो ऐसा नहीं करते हैं। देखो, उससे अच्छा क्या करते हैं, देखो मुझे यू को हटाना है, तो अगर मुझे यू को हटाना है तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इक्वेशन वन को टी टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस इक्वेशन टू को टी वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एड कर देता हूँ, तो यू चला जाएगा। हाँ सर। तो माइनस एच T1 प्लस T2 इधर हो गया, इधर इधर मेरा ये जा चुका है, हम लोग ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी, ध्यान से देखना, T1 T2 कॉमन, T1 प्लस T2। अब ये सब इक्वेशन सॉल्व करना ये सब मैं नहीं सिखाने वाला, थोड़ा सा एक एक आधे स्टेप खुद से भी सोचो मेंटली, समझा सब?
हाँ सर, हाँ सर समझ गया। तो ये टी वन प्लस टी टू गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी वन टी टू, ऐसा मिल गया। इस माइनस एच को यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इस माइनस एच को यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो माइनस हाफ जी टी वन टी टू इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी थ्री स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर टी थ्री इज इक्वल टू टी वन इंटू टी टू, गोइंग बाय द आंसर सर अंडर रूट आएगा ना, सर अंडर रूट आएगा, टी थ्री अंडर रूट आएगा, वो स्क्वायर था तो ये आंसर होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर। सर बट फोर्थ का आंसर ए बोल रहे हो लोग। हाँ ऑप्शन में ए आंसर दिया है, गलत दिया है। अच्छा सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना, सर एक बार थोड़ा ऊपर। हाँ करना, yes sir, done done sir।
A particle is projected vertically upward and it reaches the maximum height h in time t second. The height of particle at any time t is. क्यों पूछा बेटा ये? ये तो मुझे आसान लगता है पता नहीं क्यों. हाँ, but जिसके टर्म में आंसर दिया है वो निकालना शायद मुश्किल होगा. समझ सकता हूँ. अच्छा करती हूँ. तो मान लीजिए कि ये हाइट कैपिटल एच है, यही मैक्सिमम हाइट है ना? बोलो बेटा. तो सर, इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाय टू जी. मतलब मुझे यहां से u की वैल्यू मिल गई अंडर रूट टू जी एच. अच्छा, एक शॉर्टकट बताओ, क्या सीखोगे? बोलो, सीखोगे तो बताऊंगा. कॉमन सेंस लगाओ. कॉमन, एक पार्टिकल जितना टाइम में ऊपर जाता है उतने ही टाइम में नीचे आता है. यस सर. तो यहां से ये t इज इक्वल टू जीरो था और ये मेरा t इज इक्वल टू कैपिटल T है ना? हाँ, है ना? हाँ सर. हाँ सर. हाँ हाँ. मुझे किसी टाइम t पर हाइट चाहिए. तो ये कोई टाइम t है जिसमें मुझे ये स्मॉल h चाहिए और ये कैपिटल H मुझे मालूम है. हाँ ना? यस सर. अब मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसे फ्रेम करूं, सब ध्यान से सुनेगा, यही इंपॉर्टेंट है. तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? t माइनस t. हाँ सर. यस सर. यस सर. तो ऊपर से यहां तक फिर इसी टाइम में आएगा. हाँ हाँ. तो ये वाला डिस्टेंस y है, ये कितना हो जाएगा? हाफ g t माइनस t का स्क्वायर हो जाएगा. हाँ. तो ये स्मॉल h, स्मॉल h कितना हो जाएगा? कैपिटल H माइनस y. हाँ. तो कैपिटल H माइनस हाफ g कैपिटल T माइनस स्मॉल t का होल स्क्वायर. आया समझ में? यस सर. समझा. कर सर, बट ऑप्शन में तो स्मॉल t माइनस दिखती ही है कैपिटल T. अरे, होल स्क्वायर में बेटा कोई फर्क पड़ता है क्या? ओ ओके सर. क्वेश्चन नंबर 6. Yes, sir. Done. 1 minute, sir. Sir, done.
आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। तुम लोग को हर लेक्चर के बाद नोट्स वोट्स दे देता हूँ, देखते भी हो उसको? बोलो। क्या बोलते हो? सिर्फ देखना नहीं है, देख के कॉपी करना है, कुछ रह गया कुछ मिस हो गया, क्योंकि इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। क्लासरूम एक्सरसाइज में भी इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि तुम्हें नोट्स भी मिल जाए प्रॉपरली, वो भी मैं तो कोशिश करता हूँ जितना प्रॉपर बनाने का, उसमें बहुत एफर्ट जाता है। बाकी सर लोग भी नोट्स देते हैं ना शायद? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो क्लास नोट्स अभी तुम्हें लेक्चर के साथ मिल जाता है प्रिंटेड फॉर्म, आई मीन पीडीएफ फॉर्म में, तो उसका तुम लोग यूज करो, ऐसा नहीं कि वो ग्रुप में परा परा सर जाए। चलो। A man is standing on the edge of a cliff, throws a stone straight up with initial speed u, and then throw another stone down with same speed u, same position. Find the ratio of speed of the stone would have attained when they hit the ground at the base itself. 1:1. समझा कैसे? नहीं सर। बहुत तरीका है, कॉमन सेंस। पहले कॉमन सेंस वाला तरीका बताता हूँ। यहाँ पर एक स्टोन की स्पीड यू इधर है और दूसरे की यू इधर है, इतने ही का फर्क है ना? हाँ। हाइट तो वही है। एक जरा सर, जब जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताना। एक कॉमन सेंस देखो, दोनों के पास फर्स्ट स्टोन और सेकेंड स्टोन दोनों के पास सेम एनर्जी है। स्कूल में जो एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते थे। हाँ। तो जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उस समय भी दोनों के पास इतनी ही एनर्जी रहनी चाहिए, और ग्राउंड पर दोनों का पोटेंशियल जीरो है। समझा कुछ? हाँ सर। हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज ट्रू फॉर बोथ। So V1 equal to V2, isn't it? Yes, sir. ये तो हुआ। कहोगे सर इसमें काइनेमेटिक्स कहाँ है, ये तो आपने ऐसे, तो ये कॉमन सेंस बता दिया, क्योंकि इतनी फिजिक्स तो स्कूल में भी पढ़ ही लेते हैं। काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, अगर मैं काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax रिलेशन है। So v square is equal to u square plus 2 into a into s. u एक के लिए प्लस है, दूसरे के लिए माइनस है, और तो कोई फर्क पड़ता नहीं। a दोनों के लिए माइनस g है और s दोनों के लिए माइनस h है। तो देखो दोनों के लिए v की वैल्यू मिल गई अंडर रूट u square प्लस 2gh। यहां से भी देखो हाफ एम हटा दो तो वही मिला। समझ आया कि नहीं? सर एक डाउट है सर। बोलो सर, जो बॉल को ऊपर फेंका है वो जब ऊपर जाएगा तभी वो h प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g हाइट लेगा ना, तो उससे उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। हाँ, बट फाइनली इनिशियल और फाइनल बीच में क्या डांस करेगा उससे क्या मतलब है? इनिशियल और फाइनल एनर्जी को कंजर्व किया। सर द डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ द बॉल्स इज द सेम। हां, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द बॉल सेम है, दोनों माइनस एच है। यस यस। है ना? हां। एक बार जल्दी से पढ़ के देखो तो, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है तुमने, सेम है या नहीं? जस्ट अभी पूछा है आपने, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, तो नाइन्थ रहने देता हूँ।
ठीक है। अब 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15 सब मुझे ही बताना है। चलो 11th अब अच्छा सॉरी ऊपर कर दूं। हाँ सॉरी answer next dekhiye a ball is released from top of a tower height 8 meter it takes 3 seconds to reach the ground what is the position of the ball at t by 3 seconds gala nahi daba dun batao bolo gala dabao ki nahi bolna बोलना भाई अरे ऑनलाइन में कहाँ गला दबा पाऊंगा ऐसे ही पूछ रहा हूँ ये दिख रहा है h by 9 from the top तो h by 9 from the top मतलब 8 h by 9 from the ground पक्का था ना सिंपल हाँ सर बताओ ये पूछेगा ये तो अच्छा है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है ऑफलाइन चल रहा होता ना सर तो गला दबाने का इमोजी भेज दो हो जाएगा फिर तो मैं गला ही दबा देता तुम लोगों का और ऐसे क्वेश्चन मैं ऐसे थोड़ा ना बताता हूँ मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना तुम्हें मौका हो सकता है मिलेगा ही हो सकता है क्या मिलेगा ही पढ़ने का तो मैं ऐसे डाउट नहीं बताता बेटा ऐसे ऐसे डाउट बताने का तो मैं लंच डिनर सब लेता हूँ समझा सर हाँ ऐसे ऐसे डाउट बताने का तो मैं लंच डिनर सब लूंगा तुमसे टिफिन जमा करवाऊंगा पहले क्लास में फिर ऐसा डाउट बताऊंगा बताऊं इसमें देखो इसमें तो पूरे एक दिन का मेरा खाना हो जाएगा लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब अभी जो पूछा है तुम लोग नॉनवेज खाता है कोई कोई खाता होगा कोई कोई नहीं खाता होगा नहीं नहीं तो वेजिटेरियन में ऐसे क्वेश्चन बताने का ना मैं एकदम मटर पनीर लेता हूँ और नॉन वेजिटेरियन में चिकन लेता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने पर चला गया मूविंग 5 मीटर पर सेकंड ईस्टवर्ड घबरा मत डर गया तुम लोग
नहीं सर, मैं तो सोच रहा था कौन सा सब्जी खिला के तू। सब्जी क्या, मैं तो मुफ्त में डाउट बताता हूँ, बढ़िया वाला डाउट मुफ्त में। मेरे डाउट की कैटेगरी है, एक कैटेगरी है जिसमें मुफ्त में बताता हूँ, एक कैटेगरी है जिसमें कि दो ऑप्शन है, या तो एकदम पनीर बटर मटर व्हाटएवर, और नहीं तो चिकन, ये दोनों में से कोई। तीसरा है जिसमें तो कुछ भी दे दो तुम, फिर भी गला दबा दूंगा। श्रावण चल रहा है, तीसरे से दूरी रहना है। और चौथा जिसमें मटर पनीर भी खा जाता हूँ, डाउट भी नहीं बताता हूँ, और गला भी दबा दूंगा। सर आपका उपवास हो तो उस दिन श्रावण चल रहा है, तो क्या हो गया, हर साल आता है। खत्म हो गया, खत्म हो गया, अब तो दबा सकते हैं गला, कोई बात नहीं। चलो, अ पार्टिकल मूविंग ईस्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, किसकी सेंटर पर है तुम लोग? हर सेंटर पर मैं जा जाके तुम लोगों का टिफिन खाने वाला हूँ, समझ लेना। अभी लॉकडाउन में घर में मेहनत कर ले, बढ़िया बढ़िया चीज बनाना सीख ले। मूविंग ईस्ट विद 5 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, और रह गया 5 मीटर पर सेकेंड ही। तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन ही नहीं है, वेक्टर का क्वेश्चन है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, हाँ या ना? हाँ सर। तुम लोग ये पढ़ चुके हो क्या? तो उसी मेथड से बताऊंगा, वेक्टर में आई जे के कैप ये सब पढ़ चुके हो? हाँ। अरे वाह, तो आई और जे सिर्फ सीखा है, के सर, आई और जे के कभी तक पहुंचे नहीं। हाँ, के को मारो गोली, आई और जे सीख चुके हो ना? हाँ। तो वी आई को मैं 5 आई कैप लिख दूं इनिशियल वेलोसिटी को? हाँ सर। फाइनल वेलोसिटी को 5 जे कैप लिख दूं? हाँ सर। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी इज 5 जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी इज 5 आई कैप, एंड टाइम इज 10। होगा तो 5/10 1/2 जे कैप माइनस आई कैप, ऐसा हो गया। हाँ सर। इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? हाफ, अंडर रूट 2 हो जाएगा। हाँ सर। तो ये हो गया 1/√2। हाँ सर। हाँ। और डायरेक्शन किधर हो गया? जे माइनस आई, तो जे और माइनस आई इधर कहीं हो गया। हाँ सर। ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आंसर होगा, ठीक है? हाँ सर। तो ऑप्शन में देख लो 1/√2 नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, ये रहा शायद बी, ठीक है? यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए जल्दी। सर डी है, डी आएगा, नॉर्थ वेस्ट दिया है। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट लिखा है। अरे नहीं पढ़ा मैं भाई, इतना नहीं आता मुझे पढ़ना। ये ठीक है, डी, डी फॉर डोंकी। सर ये रूट टू कहाँ से आया है? क्या हुआ, कुछ बोला कोई? कौन सा नंबर था? टू। रूट टू कहाँ से आया पूछो? रूट टू कहाँ से आया? ये फिर ये गला दबाने वाला है। किसी को समझ आया रूट टू कहाँ से आया? सर मुझे समझ आया। किसको आया? जिसको समझ आया। हाँ, दूसरे को जरा समझाओ तो सही, मैं भी समझू कि तुम्हें ठीक समझ आया है कि नहीं। सर मैग्नीट्यूड लिया।
हाँ, तो क्या मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, तो रूट टू आ गया स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। हाँ सर ने पढ़ाया होगा वेक्टर में ना, ए ए आई कैप। हाँ यूनिट सर, यूनिट वेक्टर। हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर, वही किया बेटा। आया समझ में जिसने पूछा था भाई? हाफ जे कैप माइनस हाफ आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ का स्क्वायर, सो अंडर रूट वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, सो अंडर रूट टू बाई फोर, सो अंडर रूट वन बाई टू, सो वन अपॉन रूट। समझा बेटा? हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ो या रहने दो अभी? डन सर। A body at rest at x is equal to 0. At t equal to 0, it starts moving in positive x direction with a constant acceleration. At the same instant, another body passes through x is equal to 0, moving in x direction with a constant speed. The position of first body is given by x1 and second is x2 after the same time. Which of the following graph correctly described x1 minus x2? Yeah, yeah. So, dekho. X1 to constant velocity wala hai, beta. Boliye. Haan, sir. Nahin. X1 constant acceleration wala hai, sir. Constant acceleration. Constant acceleration wala hai. Acceleration. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा है क्या? हाँ, स्टार्ट्स मूविंग मतलब रेस्ट से ही स्टार्ट किया है ना, तो मैं x1 को ऐसे लिखूंगा हाफ a t स्क्वायर लिखूंगा, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। और x2 मेरा क्या है, कांस्टेंट स्पीड वाला है और दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो x2 को लिखूंगा मैं ut, लिखूंगा। हाँ, तो मुझे क्या चाहिए, x1 माइनस x2 वर्सेस t का ग्राफ चाहिए। सो x1 माइनस x2 is half a t square minus ut होगा।
हाँ सर तो हाँ, ये सर. ये टी में क्वाड्रेटिक है हाँ ना बोलो हाँ सर हाँ सर ये टी में क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट और टी स्क्वायर क्या है पॉजिटिव है हाँ अच्छा इसका एक रूट क्या है टी इक्वल टू जीरो हाँ यस सर तो अगर आता है तो नहीं आता है तो मैं कुछ और भी बता दूंगा घबराओ मत तो एक रूट अगर t इक्वल टू जीरो है और ये क्वाड्रेटिक है तो एक t इक्वल टू जीरो और एक कहीं और से पास करेगा और ये होगा पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है ना अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होता है ऐसा होता है अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव होता है ये बात मालूम है या नहीं ये बता दीजिए सर नहीं पता ये सब सर नहीं पता ये नहीं पता बंद कर कोई बात सर ओके बंद कर नहीं पता है तो ऐसे नहीं बताते बंद कर दिया चलो ये x1 माइनस x2 तो मिल गया हाँ तो इसको मैं लिख देता हूं t कॉमन a t by 2 माइनस u हाँ सर है ना Yes. हाँ तो यहाँ तो इसका मतलब क्या है कि x1 माइनस x2 को अगर हम y एक्सिस पर रखेंगे और t को x एक्सिस पर रखेंगे तो t को x एक्सिस पर रखा और x1 माइनस x2 को y एक्सिस पर रखा तो y जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है t इक्वल टू जीरो पर जीरो हो रहा है हाँ. और t is equal to कुछ भी कोई भी वैल्यू का मतलब तो है ना इस क्वेश्चन में 2u by a पर जीरो हो रहा है ना पक्का सर ये 2u by a किधर से भाई साहब कैसे आया सर इसको जीरो करोगे तो t क्या मिलेगा हाँ जीरो तो कोई भी क्वाड्रेटिक में बचाए x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ये इसके दो रूट होंगे ना x इज इक्वल टू थ्री x इज इक्वल टू टू है ना हाँ, x इंटू एक्स माइनस थ्री इसके दो रूट होंगे x इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू थ्री है ना हाँ सर x इंटू फोर एक्स माइनस थ्री इसके दो रूट होंगे x इज इक्वल टू जीरो और थ्री बाई फोर है ना yes. तो ठीक वैसे ही t into at by 2 minus u तो इसके जो दो रूट होंगे वो कौन कौन होंगे हाँ एक t और दूसरा t is equal to 0 दूसरा t is equal to 2u by a हाँ करेक्ट वही लिखा मैंने यस सर समझा तो ये ग्राफ मेरा यहाँ t equal to 0 से पास करेगा और 2u by a को कुछ भी मान लो 4 मान लो मतलब कोई तो वैल्यू ही होगा ना पॉजिटिव वैल्यू ही होगा टाइम हाँ तो मेरा ग्राफ क्या होगा जीरो से एक्चुअल में केवल ग्राफ की बात करें तो ऐसे होगा अगर केवल ग्राफ की बात करें तो फिजिक्स की बात करें तो टाइम एक्सिस में टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है तो इसको हटा देंगे कुछ इस तरह का ग्राफ का नेचर होगा एक्स एक्सिस को ग्राफ दो बार कट करता है यहाँ और यहाँ तो क्या पॉसिबिलिटी है ऐसा ही होने का पॉसिबिलिटी है ना हाँ सर ओके सर ऊपर से भी तो पैराबोला ऐसे जाता है ना वेरी गुड ये भी पॉसिबिलिटी है ऐसे होने का हाँ सर तो इन दोनों में से कौन सा होगा तो जीरो और इस टाइम के बीच में मुझे देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके दो रूट जो मुझे मिले एक t is equal to 0 और एक t is equal to 2u by a इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू पुट कर दो जैसे u by a पुट कर दो 0 और 2u by a के बीच का वैल्यू u by a है हाँ तो ये नेगेटिव आता है अभी पॉजिटिव u by a मतलब एक मिनट आप रिपीट कर सकते हो
जीरो और टू यू बाई ए इन दोनों के बीच का वैल्यू, बीच में कोई भी वैल्यू हाँ, सकते मैंने यू बाई ए, तो इसको अगर पुट करोगे तो ये पूरा टर्म एक्स वन माइनस एक्स टू का पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, मतलब जीरो से टू यू बाई ए के बीच नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस के नीचे होता है। हाँ, ओके। और इसके बाद पॉजिटिव है तो उसके बाद पॉजिटिव है। हाँ, तो ये हाँ। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये नहीं होगा, समझे? हाँ सर। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। Done, sir. कौन सा नंबर था ये सर? एक ही मिनट। हाँ, सर। सर एक बार वो सेकेंड इक्वेशन फिर से एक्सप्लेन करो ना। कौन सा इक्वेशन सर? ये सेकेंड यूटी वाला। तो कौन पर क्वेश्चन है तुम्हारे सामने? बोलो। हाँ सर, हाँ सर, मिल गया। x2 क्या लिखा है? x2 आगे बढ़े। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी अबव द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट डी बाय 2, नेग्लेक्टिंग सबसीक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, वेलोसिटी वेरीज विद हाइट h। तो VH का मुझे ग्राफ चाहिए। क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो। पढ़ लिया सबने? हाँ सर, पढ़ा। ठीक है। तो डी हाइट से थ्रो किया, कितने हाइट से थ्रो किया? डी हाइट से। ये है डी। ग्राउंड पर बाउंस करने के बाद डी बाई टू तक ऊपर गया,
हाँ सर तो ये हाइट है मेरा d by 2 ऊपर से नीचे आते वक्त इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर थी और नीचे से ऊपर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर थी हाँ सर हाँ या ना हाँ सर हाँ इसका मतलब है इस पूरे प्रोसेस में वेलोसिटी नेगेटिव था इनिशियली और वेलोसिटी पॉजिटिव है फाइनली हाँ सर हाँ सर ठीक है यस सर हाँ सर तो अब सीधा सीधा ऑप्शन पे आते हैं ऑप्शन को देखो ऑप्शन बी में वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है ना वेलोसिटी वाई एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव है हाँ सर तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन डी में वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव है ना नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा तो बच गया ए और सी में से कोई एक होगा हाँ अब ए और सी में से देखो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो वेलोसिटी हाइट के साथ कैसे चेंज हो रहा था तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस वाले फॉर्मूले में अगर हम डालेंगे तो यू जीरो ए इज माइनस जी एंड एस इज कुछ भी माइनस एच कह दो तो ऐसा हो गया तो वी ऊपर से हाइट का फंक्शन देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा रूट टू जी एच या वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच यही मतलब हुआ ना हाँ सर तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच का फंक्शन हुआ इसका मतलब है y square is equal to some constant into x तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं ही होगा स्ट्रेट लाइन तो आई मीन सिंगल डिग्री वाला इक्वेशन होता है ना y is equal to mx plus c सिंगल डिग्री इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन सर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ मतलब इट विल बी अ कर्व हाँ क्वाड्रेटिक वी स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा ये पक्का है ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है बेटा ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जेई में पूछा है जो मैंने दिया है ओके तो स्क्वायर का फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा यस सर तो ऑप्शन सी क्या बचा ऑप्शन ए यही होगा ओके सर ओके सर कॉपी कर लीजिए जल्दी सर सर मुझे बी और सी का बी और डी का समझा कि क्यों नहीं आया मुझे सी का नहीं समझा वो क्यों नहीं आया सी स्ट्रेट लाइन है हाँ
और हमारे पास वाई एक्सिस मतलब वी स्क्वायर है। क्या सर? अरे वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच है ना? हाँ हाँ सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कर्व होगा ना, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना? हाँ ओके हाँ हाँ थैंक यू सर थैंक यू। हाँ done sir। सर सर वो 13th वाले में एक डाउट था, माइनर डाउट। वो जो यू अपॉन ए आप मतलब दो पैराबोला थे ना, तो उसमें से दोनों में से हम लोग कोई भी एक सिलेक्ट करना था, तो जो हम लोग ने यू अपॉन ए उसको सब्स्टिट्यूट करना है ना वो क्वाड्रेटिक में, कि उससे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव चेक करने के पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके ओके ठीक है सर समझा। So we are done with the doubts. Now कुछ आगे पढ़ लेते हैं। तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने शायद सर किसका 14th बाकी है? आता नहीं मुझे, काम बाकी है। कौन सा क्वेश्चन है बट आ गया क्या बच गया? सच में सच बोल रहा है? हाँ सर एक बच गया है, दो बाकी। किसने पूछा किसने पूछा बोलो? ए और बी दोनों ही केस में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, तो टाइम सेम। जिसने भी पूछा जरा जल्दी से देखो क्वेश्चन को। देखो उसको बता ही देता हूं, कहेगा थोड़ी देर के लिए कहेगा कि सर ने तो बताया ही नहीं। लो दिख रहा है बेटा क्वेश्चन, दिखा क्वेश्चन दिखा सर? दिखा। इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी क्यों नहीं लिखना है? तो देखो कहाँ चला गया। हाँ, it passes the point A at t equal to zero at this instant of time, the horizontal component of velocity is v, है ना? और दूसरे का भी स्पीड v है, q को v स्पीड से इधर थ्रो किया, और ये जब यहां से आ रहा था उस समय इसके पास भी horizontal direction में velocity v था, आया ना? बोलो। हाँ सर। तो दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल है। हाँ सर। हाँ सर। दोनों ही केस में यस सर वेलोसिटी अलोंग डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। यस सर। यस सर। तो दोनों ही केस में टाइम इक्वल लगेगा। हाँ
कॉमन सेंस है ना? हाँ सर। x डायरेक्ट तो tp इज इक्वल टू tq ऐसा कुछ आंसर होगा। आगे बढ़े। यस सर। सर हाँ 14th में डी भी लिख सकते हैं ना उस हिसाब से तो, बट वो तो बोल रहा है कि दोनों के टाइम में रेशियो है उसका आर्क लेंथ। अच्छा हाँ हाँ नहीं लिख सकते हाँ सॉरी। चलो अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोजेक्टाइल की थ्योरी बताई थी। हाँ सर। रेंज टाइम ऑफ लाइट ये सब बता, क्वेश्चन भी कराया था कुछ? नहीं सर क्वेश्चन नहीं सर, दो कराए थे। एक भी नहीं, नहीं दो कराए थे, दो कराए थे। टू क्वेश्चन। How object is thrown with speed 20 meter per second at the angle 60 degree with horizontal, find the time after which its velocity will make an angle 45 degree with horizontal। वही मैं पूछ रहा हूँ, दो क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको दिया था रेंज हाई टाइम ऑफ फ्लाइट, इस सब का फॉर्मूला डिराइव किया था। हाँ सर। तो अब उसी में आगे करते हैं, ठीक है? सर उसी में थोड़ी थोड़ी थ्योरी आगे पढ़ा देता हूं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन थ्योरी अच्छा थ्योरी क्यों बोलूं, प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू, इसमें थ्योरी प्रॉब्लम सब करते हैं हम लोग, ठीक है? तो असाइनमेंट डिस्कस कर लिए, अब प्रोजेक्टाइल मोशन को। सर सर लास्ट लेक्चर में को मतलब थोड़ा पार्ट उसका समझा नहीं था। क्या नहीं समझा था? सर जब वो प्रोजेक्टाइल जाता है ट्रैजेक्टरी पे, ट्रैजेक्टरी का पार्ट थोड़ा समझा नहीं था। क्या नहीं ट्रैजेक्टरी क्या नहीं सर, ट्रैजेक्टरी पे, ट्रैजेक्टरी पे ये उसका प्रोजेक्शन वही रहता है ना? क्या प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन नहीं सर, वो एक्स एक्सिस तो सेम ही रहेगा ना, मतलब उसी डायरेक्शन में रहेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है एज यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा वैसे ही रहेगा ना? हाँ वैसे ही रहेगा। और फिर यू साइन थीटा नीचे की तरफ हो जाएगा, मतलब यू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग, अपवर्ड मोशन में ऊपर की ओर रहता है, डिक्रीज करके जीरो होता है, फिर उसके बाद नीचे की ओर इंक्रीज करता है। पिछली क्लास में जो थ्योरी किया था पहले तो उस पे बेस्ड कुछ सम कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले उस पे बेस्ड कुछ सम कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। दो मिनट रुकना। एक ये क्वेश्चन कीजिए, पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की थ्योरी बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले ये क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि हाइट रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब का फॉर्मूला डिराइव किया था और शायद क्वेश्चन नहीं किया था जैसा आप बता रहे हैं, तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
सड़ी डी आंसर मालूम है सबका हो गया तो बताऊं सर एक मिनट यहां से गया प्रोजेक्टाइल ऐसे गया ठीक है इसकी इनिशियल स्पीड मान लो यू है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है हाईएस्ट पॉइंट पर मैं सिखाया था आपको इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा सिखाया था यस सर यस सर अब क्वेश्चन में लिखा है एट मैक्सिमम हाइट पार्टिकल इज हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी लिखा है मतलब इस यू कॉस थीटा की वैल्यू यू बाई टू है हाँ मतलब कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई टू है मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है आया ना यस सर हाँ सर चाहिए क्या रेंज चाहिए रेंज का फॉर्मूला बताया था यू स्क्वायर साइन टू थीटा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी तो इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए u square sin 2 theta upon g तो ये हो जाएगा u square into 2 sin theta into cos theta upon g आया ना हाँ सर u square into 2 sin 60 root 3 by 2 cos 60 1 by 2 upon g ये 2 और ये 2 cancel हुआ root 3 u square by 2g root 3 u square upon 2g yes sir क्लियर है सबको सर आप एक और बार समझा सकते हो कि हाइट मैक्स पे यू कॉस थीटा सिर्फ क्यों होता है करके तो मैक्सिमम हाइट पर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होती है नहीं समझे पिछले लेक्चर देखिए मैक्सिमम हाइट पर वो मैक्सिमम हाइट अगर है तो यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा यहाँ ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर कुछ होता तो और ऊपर जाता ना हाँ अच्छा हाँ 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 समझा तो यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज
होता नहीं है। अच्छा तो ये हर जगह पे ये प्रोजेक्टाइल के हर जगह पे यू वाई हमेशा यू कॉस थीटा रहेगा और यहाँ वी यू एक्स, हाँ यू एक्स हर जगह चेंज होता रहेगा और वी यू एक्स हमेशा यू कॉस थीटा रहेगा, यू वाई वेलोसिटी अलोंग वाई विल कीप ऑन चेंजिंग। अच्छा हाँ, टेबल में आप देखिए वाई के अलोंग एक्सेलरेशन है, एक्स के अलोंग तो कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ समझा सर, आगे बढ़ो सर। एक और छोटा क्वेश्चन जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए। अच्छा आप लोगों ने तो बता दिया है मुझे कि आई कैप जे कैप ये सब पढ़ चुके हैं आप। तो अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बाय द वे पिछले क्वेश्चन का आंसर वाज रूट, ऐसा कुछ आंसर है भी या नहीं देखा नहीं मैंने। बी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है इसको कीजिए। पता नहीं, देखते हैं। ठीक है सर। यस सर 9.6 है शायद।
सबका अटेम्प्ट हो गया, सबने अटेम्प्ट कर लिया क्या? हाँ सर। चलिए देखते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूं टू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी। ये जो सिक्स आई कैप है तो वेक्टर फॉर्म में ये सिक्स ही मेरा होगा यू कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और एट होगा मेरा यू साइन थीटा, आया ना? सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू इंटू सिक्स इंटू एट अपॉन जी, तो 96 अपॉन जी, तो 9.6 मीटर। 9.6 आप लोगों को क्या आ गया था आंसर? हाँ सर, यही आया था। सर मैंने तो मैंने भी थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया उसके बाद। मैंने भी जरूरत ही नहीं है सर, वो लगा ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा मैं ये वाला क्या सर, मैं बोला कि जो आपने दिखाया ना वो इजी है, ये हम लोग ने किया लंबा, हम लोग ने बहुत लेंदी कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन दूं, वो लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट कीजिए। अलग अभी नहीं कुछ सर सर वो मेरा माउस अटक गया, आप मुझे म्यूट कर सकते हैं? तो मैं म्यूट कर दूं? हाँ म्यूट तो कर देता हूँ, बाद में क्या करोगे? सर मैं टेक्स्ट कर दूंगा मोबाइल से।
आया कोच? बोलो बेटा आया कोच? सर मेरा तो नहीं आया सर, ट्राई कर रहे हैं पर नहीं आ रहा। सर इज इट बी? आंसर नहीं पता, मैं करूंगा तो यूनिट दे दिया, देखेंगे। चलो देखो इधर, सब इधर देखिए। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। चश्मे में मोती रहे रातें रहे। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है थीटा। ये सब पहले भी कर चुके हैं बेटा, बोलो। ये है यू कॉस थीटा, हाँ सर, हाँ सर, ये है यू साइन थीटा। इस फंडामेंटल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक्सिलरेशन अलोंग एक्स इज जीरो, एक्सिलरेशन अलोंग वाई कुछ है अपना, जीरो नहीं है एटलीस्ट, है ना, जी है वैसे इस केस में, समझ रहे हो? हाँ सर। तो अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं, अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं कि किसी टाइम टी पर x में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा? u cos theta into t होगा, होगा? हाँ या ना? नहीं सर, एक बार ये रिपीट कर सकते हो आपने क्या बोला? ये मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एट एनी टाइम t इज x इज इक्वल टू u cos theta into t,
सिमिलरली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज यू साइन थीटा माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर आया ना सर यस सर अगर मैं कंपेयर करने जाऊं उससे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख दूं ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें मैंने ऊपर कर दिया बताओ एक्स क्या लिखा हुआ है टेन रूट थ्री शायद लिखा है एक्स टेन रूट थ्री टी है हाँ सर टेन टी माइनस टी स्क्वायर यही हाँ सर हाँ सर ऐसे लेता हूँ हाफ इंटू टू इंटू टी स्क्वायर एक ही बात हो गया बोलो यस यस अब मैं कंपेयर करूं अगर तो ये जो टर्म है टेन रूट थ्री दिस इज नथिंग बट यू कॉस थीटा यस सर ये जो टर्म है टेन दिस इज नथिंग बट यू साइन थीटा यू साइन थीटा हाँ सर ये जो टू है दिस इज नथिंग बट ए वाई यस सर अब मेरे से पूछा है क्या पूछा है मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर बाय 2g u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2 हां बाय g बाय 2g है 2g है या g है मुझे नहीं पता सर 2g सर 2g हां 2g 2g है 2g 2g पक्का हां सर हाँ सर 2g हाँ सर तो जी नहीं मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ 2 इंटू ए वाई हाँ सर मतलब ऐसे देखा जाए तो यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 ए वाई हाँ यही मतलब हुआ सर व्हाट अबाउट साइन स्क्वायर थीटा ओ भाई साहब यू वाई इज u sin theta is velocity along y ना हाँ सर समझ गया तो ये हो गया मेरा 10 square upon 2 into 2 हाँ सर that is 100 upon 4 तो 25 meter answer okay है ना हाँ सर सर ये हाँ बोलो सर ये फिर से समझा ना साइन स्क्वायर थीटा वो कहाँ गया साइन स्क्वायर थीटा मार मार के कचूमर बना दूंगा कचूमर गदा है गदा अरे यूटी में कैसी कैसी बात करता है ना पक्का लॉकडाउन खुलेगा तो मारूंगा तुझे तो ये यू साइन थीटा इनटू समझ गया सर समझ गया ना मैंने अभी मारा भी नहीं नाम लिया मारने का उसी में समझ गया तो मुझे क्या लगता है पढ़ाने से ज्यादा मारने में समझता है तुम लोग तो पढ़ाना जरूरी है ही नहीं रोज आओ दो दो थप्पड़ खाओ जाओ नया सीख के जाओगे यही हुआ मोरल ऑफ द स्टोरी एनीवे कोई नहीं मजाक कर रहा था मेरी बातों का बुरा मत मानना तुम लोग हाँ सर क्या करूँ सुबह से शाम तक यही करता रहता हूँ ना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ इट्स लाइक अगर तुम मान लो किसी छोटे बच्चे को 2 प्लस 2 4 पढ़ा रहे हो रोज दिन यही एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और कितना है ऊपर से ऐसे बच्चे तो वही सुबह शाम करते करते यही हालत है मेरी कोई बात नहीं चलता है आगे बढ़ो ये लिख रहे हैं आप ठीक है ठीक है लिखिए रात भर चल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहा आगे बढ़ो
सर ठीक है चलो एक अच्छा क्वेश्चन है सॉल्व कर लोगे तो मुझे खुशी होगी। हाँ सर ट्राई है। चलो सर ऐसे ही रखो क्या करूं क्या बोला बेटा नहीं समझा नहीं स्क्रॉल मत करना ये बोला था ऐसे ही रखो थोड़ा। अच्छा ऐसे ही ठीक है ये वाला क्वेश्चन करो सर आंसर 4 सेकंड है क्या पता नहीं।
सबने अटेम्प्ट किया सर, ट्राई किया सर, सिर्फ एक ही मिनट, हाँ एक ही मिनट, डन सर, डन। चलो देखो, सब लोग देखो, देखिए सपोज एक प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, ठीक है, हमने हमें कहा है मिक्स एन एंगल, अरे एंगल तो दिया ही नहीं है सर, साइमल्टेनियस से होगा क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन से? नहीं नहीं नहीं, वो तो बाद में, बट एंगल नहीं दिया, अधूरा क्वेश्चन है। मिक्स एन एंगल डैश विथ हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखते हैं कोई रैंडम थीटा से होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं डाउटफुल हो गया सर। मैंने दो इक्वेशन बनाए और फर्स्ट पोल, अरे वो इक्वेशन छोड़ो मत, मुझे लग रहा है पहले तो यहाँ कुछ एंगल देना चाहिए ना, बिना इसके आंसर आएगा क्या सर? देखते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं। कोई जनरल एंगल थीटा ले लेते हैं, मुझे नहीं पता अभी, बट अभी मुझे लगता है कोई वैल्यू होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वैल्यू होना चाहिए। देयर इज सम मिस्टेक इन क्वेश्चन, वो मैंने सीधा उठा के दे दिया, ध्यान नहीं दिया, सॉल्व करते वक्त ध्यान दे रहा हूँ। तुम लोग को भी नहीं लगा कि कोई एंगल देना चाहिए? बोलते तो एक बार मैं भी देख लेता। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना अलग बात है, बट प्रॉब्लम का इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है ये तो पता होना चाहिए। मैं तो नहीं पढ़ा, मैं तो मतलब जेन्युइनली पढ़ा नहीं, मैं तो अभी पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो रियलाइज किया, आपने तो पढ़ा होगा। तो कुछ यूए स्पीड है और कुछ एंगल थीटा है, ठीक है, ये दोनों पोल की हाइट कितनी है, एच है, और इसको क्रॉस करता है दो टाइम पर, एक टाइम है टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर और एक है टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। ये दिख रहा है कि ऐसे ऐसे दो पोल को क्रॉस करके जाएगा? हाँ सर, हाँ सर। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल चाहिए, तो मेरा प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो जाएगा क्या होगा, 2u sin theta by g होगा। तो u और sin theta अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, क्लियर? हाँ सर। अब हाँ सर, इन दोनों ही केस में शायद हो भी जाएगा, मैं हो सकता है मैं स्केप्टिकल था पहले, बट मुझे लगता है हो जाएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं दोनों ही केस के लिए कि h इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस सर। सो 2h इज इक्वल टू 2u sin theta t माइनस जी टी स्क्वायर। थोड़ा और ठीक कर दें तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u sin theta t प्लस 2h दिस इज इक्वल टू 0। हो गया, हो गया, नहीं जरूरत है बेटा उसका, समझे, इसी से हो जाएगा। तो ये जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं t1 और t2, यही रूट 1 सेकेंड और 3 सेकेंड है। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट क्या होता है? ओ भाई साहब, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ रूट मींस t1 प्लस t2
is b by a, that is 2u sin theta by g. हाँ सर. और t1 t2 है 4, तो 2u sin theta by g is 4 second, है ना? और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखोगे यही था ना, 2u sin theta by g. यस सर. बोलो. यस सर. यस सर. इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 second, as simple as this. समझे मेरी बात? सर बी की बी का वैल्यू हम लोगों को कैसे पता चला? लास्ट वाला पार्ट नहीं सर. हाँ बोलो सर, मुझे लास्ट का पार्ट नहीं समझा. ओ भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल क्वाड्रेटिक होता है. हाँ. जिसका कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है. हाँ सर. तो यहाँ पर वो समझा. चुप चुप. यहाँ पर बी की जगह ये है. हाँ. और ए की जगह ये है. ओ, ओके समझा. हाँ समझ गया, समझ अभी समझा. अभी समझा ना, बधाई हो. हाँ सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. मैं बार बार कहता हूँ, मेरे से कुछ पूछना है तो पूछ लिया करो. मैं चिल्लाऊंगा जरूर बट बता दूंगा, समझा तो दूंगा, ये पक्का है. और जब तक ऑनलाइन है तब तक तो ऑन बिल्कुल भी मत करो. क्या हुआ? नहीं सर कुछ नहीं. जब तक डाउट है तब तक ऑनलाइन है तब तक तो और नहीं डरना है तुम्हें, उसके बाद का नहीं. तो सर मुझे एक डाउट है वो क्वेश्चन, इसके पहले के क्वेश्चन में. क्या है? थोड़ा सिली डाउट है वो. यू स्क्वायर यू वाई का जो स्क्वायर है ना आगे के क्वेश्चन में, तो उसको आपने कैसे मतलब लाए? आप वो समझा नहीं मैं. मतलब अभी पीटूंगा और बताऊंगा. देखिए यही ऊपर है यही. हाँ पीट से बताया हुआ याद रहता है. तो वाई ये जो इक्वेशन टू मैंने लिखा है इसमें डाउट है? नहीं नहीं उसमें नहीं है डाउट. इसको और इसको कंपेयर किया तो यू साइन थीटा की जगह 10 है. हाँ. तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया? u साइन थीटा का होल स्क्वायर. हाँ. तो 10 का स्क्वायर. ओके ओके समझा. यस सर समझ. पक्का समझा, एकदम पक्का. चलो ये जल्दी कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं. डन सर. आगे बढ़ो. हाँ सर हो गए. डन सर. सर एक ही मिनट. आ सर एक डाउट है. ये दोनों जो ब्लू कलर के आर के वो दोनों को कवर करने टाइम सेम लगेगा क्या? हाँ सर मैंने वैसे ही किया. मैंने वैसे 4 सेकंड आंसर लगाया. हाँ सर मैंने भी 4 वैसे ही किया. ये जो ब्लू कलर के दो आर के दो ब्लू कलर के आर वो दोनों को टाइम सेम लगेगा क्या? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं सर. मैंने भी वैसे ही किया. अगर मान लो सेम लगेगा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ का टाइम और यहाँ से यहाँ का टाइम सेम है आप ऐसा कह रहे हैं. हाँ. तो इसका ये मतलब थोड़ा ना हुआ कि हाँ. ये पूरा टाइम. तो उसके हिसाब से अगर हम ऐसा कैसे बोल तो समझ नहीं पाया तो भी नहीं होगा सर. होगा ना गलती से भी नहीं होगा तो फिर तो बोला ना गलती से भी नहीं होगा सर. होगा ना मतलब जाने में 1 सेकंड लिया फर्स्ट पोल पे. अच्छा आप फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ. हाँ सर. हाँ सर. यस हाँ सर. वही सर. हाँ सर वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल सेंस सही है आपका. हाँ सर मजा आ गया. वैसे मेरा फोर से. हाँ सर मैंने भी वही ऐसे ही ओरल ही कर दिया. मजा आ गया. ये दोनों की हाइट सेम है और अगर सच में दिमाग से सोचे हो मतलब ऐसा नहीं तो मुझे बहुत खुशी हुई. हाँ सर सच्ची वैसे ही किया था. हाँ सर नहीं है तो मुझे बहुत खुशी हुई. बहुत अच्छा.
ये पोर्शन और ये पोर्शन का टाइम आइडेंटिकल होगा। पहले लगा था कि रॉन्ग होगा तो बोला ही नहीं, फिर थोड़ी देर बाद। अरे खुद से ईमानदार रहो, वो अलग बात है। हाँ सर, बूम बम। एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, रुको। लिख लिया है सबने ना? हाँ सर, हाँ सर। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। सर आंसर सी, √3gz। क्या सर आंसर सी है? आंसर देखते हैं, देखते हैं। अच्छा क्लास 6-8 ही था क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओहो देखो मैं पुराने में कैसा हो गया, ध्यान ही नहीं दिया मैं, बता देते मुझे। अरे सर हम लोग को लगा कि आपको इम्पोर्ट कराना होगा, इसके लिए बोला नहीं मैं। नहीं, जितना पढ़े उतना अच्छा। हाँ ठीक है, इसी क्वेश्चन से अगली क्लास में स्टार्ट करो, बिकॉज पीपल आर लिविंग, दैट्स व्हाई देन आई गॉट टू रियलाइज क्योंकि ऐसा कुछ। ओके सर, हाँ सर, चलो नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यस सर, चलिए बाय। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आंसर तो बता दो सर।
या वेलकम सर। हाँ बोलो सर, इसका आंसर बता दो। आंसर एक सेकंड रुक जाओ सर, हम सर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, छोड़ो चलो। हाँ सर, मिस्ट्री रहने दो नेक्स्ट क्लास तक। हाँ सर। सर हाँ सर, वो मैं पहले दूसरे मेंटोरशिप में था और आपने बोला था कि चेंज कर लो, तो सर अभी मैं चेंज किया हूँ, तो सर अभी ओलंपियड का जब ऑप्शन आएगा तो उसकी सेम पढ़ाई रहती कि अलग? अरे वो तो रुको ना, तुम्हारा टेस्ट दोगे, टेस्ट में कैसा स्कोर आएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ओलंपियाड के बैच में तुम्हें बैठना चाहिए कि नहीं। अननेसेसरी बैठने का मीनिंग थोड़ी ना बेटा, रुको आराम से, कोई बात नहीं। ओलंपियाड के बैच में पढ़ाता हूँ मैं, बट वहाँ पे अलग ही लेवल पढ़ाता हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा सा टेस्ट का वेट कर लेते हैं, टेस्ट के रिजल्ट का फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके, या बाय सर, थैंक यू सर, बाय।